आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए ये मैंने पहले सबसे पहले तो मैंने ये सोल बताया हुआ था बच्चे के जूते के लिए, तो अब इसका पूरा जूता बना के बताऊँगी। तो मैंने देखिए बना के रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से लगेगा देखने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो किस तरह से ये बनेगा। ये देखिए, ये जो बीच की लाइन देख रही है इसको इस तरह से रखेंगे। ये हमारा चौड़ा भाग है, तो ये आगे का तलवा आएगा हमारा पंजा, और ये पीछे साइड एड़ी। तो इस तरह से रखेंगे, देखिए बीच का जो लकीर दिख रही है ये, यहाँ पे क्रोशिया इस तरह से सेंटर पे रखेंगे, और जहाँ सेंटर आएगी वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटर आ रही है, तो बैक साइड से हम इसकी बुनाई करेंगे। चेन का दो भाग होता है देखिए, तो जो पीछे वाला भाग है उसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से इसकी बुनाई करेंगे। एक चेन ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद दो चेन लेंगे, सॉरी दो चेन लेने के बाद देखिए हर चेन में अब एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन के पिछले हिस्से में ही बुने, आगे के हिस्से में नहीं। इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम, और डबल क्रोशिया करते हुए पूरा लाइन यहाँ से यहाँ पूरा करेंगे और यहाँ आके जोड़ लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया करते हुए, और यहाँ आके हमने जोड़ लिया है। जहाँ जोड़ा है उसके पीछे वाले चेन में हम इस तरह से लेंगे, अब पूरा पूरा लेना है, पूरे चेन में डालेंगे इस तरह से। और यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है अब हमें। इस तरह से लिया, अब अगली चेन में डालेंगे हम यहाँ पे। अब हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया की दो लाइन करेंगे हम, एक अभी हम कर रही हैं और फिर एक आप फिर से जो भी कलर बना रही हैं फिर उसका दूसरा कलर देंगे। तो मैंने यहाँ पे वाइट दिया, फिर से ब्लैक दूंगी, क्योंकि देखिए इसके नीचे है मैंने व्हाइट बनाया है, उसके बाद फिर से मैंने ब्लैक बनाया हुआ है। तो इसी तरह से फिर से ब्लैक बना लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइन सिंगल क्रोशिया का बना लिया है। अब देखिए यहाँ से हम ये भाग बनाएंगे जूते का, आगे का भाग बनाएंगे ये वाला। तो किस तरह से बनेगा वो, तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम देखेंगे ये हमारा चौड़ा भाग है जो हमारे ये उंगलियों की तरफ आएगा पंजे की तरफ, और ये पीछे का भाग। तो किस तरह से देखेंगे, देखिए जहाँ हमने घटाया हुआ है तो देख रहे हैं इस तरह से, ज़्यादा सीधे लकीर दिखे, कहीं भी फंदे घटे हुए ना दिखे। तो ये हमारा चौड़ा भाग है, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, और ये पीछे का भाग है। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे बराबर करते हुए, बराबर करते हुए पकड़ते हुए जहाँ बीच में आएगी वहाँ पे एक निशान लगा देंगे हम इस तरह से। अब जहाँ हमने निशान लगाया है, अब यहाँ से काउंट करते हुए जहाँ हमारा 12 नंबर चेन आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। देखिए इसे काउंट करते हुए जहाँ हमने इसे निशान लगाया यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब देखिए इधर भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो ये वाला खोल देंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से अब हम येलो कलर लगाएंगे, जैसे येलो कलर हमने यहाँ पर लगाया देखिए। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनेगी हमारी, तो यहाँ पे हम लेंगे यह धागा, यहाँ पे खोलेंगे हम इस तरह से ये वाला निशान, और यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे। तो देखिए अब यहाँ से क्रोशिया डालेंगे जिधर से हमने बुन रहे थे, और निशान जहाँ लगाया हुआ था तो यहाँ पे हमने क्रोशिया डाल लिया है। इस तरह से लेंगे हम, यहाँ हमने बांधा, एक चेन और ले लेंगे यहाँ पे। अब हर चेन में बनाते हुए हम डबल क्रोशिया करेंगे।
यहाँ से लेके जहाँ हमने निशान बनाया वहाँ तक हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से लेके डबल क्रोशिया यहाँ तक करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ पहले। तो देखिए निशान जहाँ हमने लगाया इसे अब खोल देंगे हम, तो टोटल हमारे 23 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। यहाँ से दो चेन लेंगे, देखिए 1 और ये 2, इधर पलट जाएंगे। तो जहाँ हमने बुना हुआ है ये चेन छोड़ देंगे, इसके अगले चेन में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाना है, इस तरह से बनाया एक इसी में छोड़ देंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया को हाफ बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। तो एक साथ तीन फंदे आ गए, तीनों को एक साथ घटा देंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन छोड़ देंगे, इसके अगले चेन में डालेंगे, फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए दो फंदे हो गए, फिर से हम उसी चेन में डालेंगे और ये तीन फंदे हो गए, तीनों को एक साथ। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में डालेंगे। इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे हम। तो देखिए किस तरह से बन रही हूँ, ध्यान दीजिए, पूरा मैं डबल क्रोशिया नहीं बना रही हूँ, फंदे चे हमने इसमें ही छोड़ दिया है क्रोशिया पे ही। फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर अगले चेन में डालेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे डालेंगे। टोटल हमारे तीन फंदे हो जाएंगे, 1 2 3, तीनों को एक साथ निकालना है। तो इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट का एक चेन बचा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया किया हुआ था, सॉरी डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे, और देखिए जितने भी चेन है सभी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो देखिए पूरा सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, तब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने रेड कलर डाला हुआ है, तो रेड कलर डाल रही हूँ। यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, इधर पलट जाएंगे। अब देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये पहला चेन छोड़ देंगे हम, सेकंड चेन में डालेंगे, जैसे मैंने पहली बार किया हुआ था सेम उसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए दो फंदे हो गए, फिर एक बार और इसी चेन में डालेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन पूरा नहीं बनाना है, फिर तीन फंदों का एक कर देंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, ये चेन नहीं बुनना है, इसके अगले वाले चेन में डालेंगे हम इस तरह से, डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा नहीं करना है, तीन फंदे एक साथ रहेंगे, तीनों को एक साथ निकालना है। फिर ये स्किप करेंगे, फिर अगले में डालेंगे, फिर इसी चेन में दोबारा डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे हम, सॉरी यहाँ नहीं डालना है, अगले में डालेंगे। फिर सभी फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। तो देखिए लास्ट में हमने इसी तरह से बनाया और तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे, यहाँ एक चेन लेंगे, अब इधर पलट जाएंगे। अब देखिए इस तरह कैसे बनाना है हमें यहाँ पे, सभी चेन में डालेंगे देखिए इस तरह से क्रोशिया, क्योंकि सभी फंदों को बंद करना हमें, एक निकाला, फिर इस चेन में डालेंगे दो, फिर अगले में डालेंगे तीन, यानी टोटल चार हो गए। यहाँ पर डालेंगे 5, 6 और ये 7, पूरे 7 आने चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को एक साथ बंद करेंगे हम, देखिए इस तरह से थोड़ा टाइट बंद करें और यहाँ पे धागा कट कर देंगे। अब इस तरह से बन जाएगा। फिर मैं आगे का ये भाग बताऊंगी आपको, देखिए ये।
तो अब देखिए हम ये जूते का जो ये भाग है बीच वाला, ये भाग बनाएंगे हम। तो किस तरह से बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए यहाँ से अब क्रोशिया चेंज करेंगे, ये हम 12 नंबर क्रोशिया से बना रहे थे। अब यहाँ पे देखिए 0.7 mm क्रोशिया से बना रहे हैं, या तो जो भी इस क्रोशिया से जो पतली हो, जिसकी मुँह नुकीली हो, उससे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर फिर से येलो कलर यूज़ करेंगे हम, और सबसे कोने पर जो है यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया। यहाँ बांधा हमने, एक चेन लिया, उसके बाद देखिए एक यहाँ से लेके हमें 13 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी दूरी दूरी पे बनाएंगे, 13 सिंगल क्रोशिया बनाना हमें। तो इसी तरह से करते हुए 13 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ मैं। दो, ये तीन, इसी तरह से करते हुए हम 13 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमने 13 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डालेंगे सेकंड चेन में और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 12 सिंगल क्रोशिया को अब 8 लाइन कंप्लीट करना है। ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है, इसी तरह से करके 8 रो कंप्लीट करना है। तो चलिए 8 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा ये। तो देखिए ये हमारी 8 लाइन कंप्लीट हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 धारियाँ जब आपकी आ जाए तो जान जाए कि ये 8 लाइन कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ से देखिए जहाँ से पहली लाइन हमने शुरू की थी, यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, एक चेन बना लेंगे यहाँ पे। अब 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ से बनाते हुए जाएंगे हम। जितनी रो बनाई है उतनी सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सर टाइट टाइट इसको करें। ये 7 और ये 8। यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, जहाँ पे हमने लास्ट बनाया है कोने पे, वहाँ पे 2 बनाएंगे हम इस तरह से। फिर जितनी भी यहाँ सिंगल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और सेम जैसे मैंने इधर किया हुआ है आपको भी इधर करना है। यहाँ तक पूरा कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद दिखाती हूँ आगे। तो देखिए हमने चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया इसे कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जहाँ हमने ज्वाइंट किया हुआ है उसके बगल में से इस चेन में हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक कलर, और यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो किस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और कहाँ पे घटाना है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से लेंगे, एक चेन बनाए, सभी चेन में एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। उसके बाद ये धागा कट कर देंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे हम। चलिए तो पूरी रो बना लेते हैं सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक पहुँच गए, और सबसे लास्ट वाला में इस तरह से लेते हुए और इसे स्लिप करते हुए इसे अपना धागा कट कर लेंगे हम। इस धागे को थोड़ा अंदर करते हुए इधर, ताकि ये खुले ना, तो इधर हम इस तरह से अंदर कर लेंगे इस धागे को पहले। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हमने सिंगल क्रोशिया एक लाइन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से डालेंगे क्रोशिया हम, पहले इधर कर लेते हैं। एक चेन बना लिया हमने, तो जहाँ हमने बुना है यहाँ पे नहीं बनाना हमें, उसके बाद सेकंड चेन में डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। अभी तो इस तरह से करके देखेंगे दोनों बराबर करके, और देखिए बराबर थर्टीन हो गया, ये फोर्टीन, ये फिफ्टीन, फिर इसे सेंटर करके देखेंगे इस तरह से, देखिए फोर्टीन बुनाया हुआ हमने। अब ये फिफ्टीन लेंगे इस तरह से एक, और ये सिक्सटीन लेंगे, और तीनों को एक साथ इस तरह से बंद कर देंगे। अब जितने भी फंदे हैं सभी को फिर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, वहाँ दो फंदे एक साथ घटाना है हमें, इसी वजह से इस तरह से करना है हमें। जब हम लास्ट में आएंगे तो वहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया होगा उस पर ना बुन के उसके सेकंड नंबर सिंगल क्रोशिया पे बुनेंगे, तब ये क्या होगा कि ये डिज़ाइन आपको इस तरह से तिरछा हो जाएगा, देखिए इस तरह से कट आएगा फिर आपका, ये इस तरह से बनाएंगे तो। मैं येलो की तीन लाइन बनाऊंगी, आप जो भी कलर से बना रहे हैं उसी तरह से करें, या तो एक ही कलर से बनाना चाहती तो एक ही कलर से बना सकती हैं। टोटल हमें इसी तरह से सेवन रो करना है, देखिए यहाँ हमने किया, एक चेन लेंगे यहाँ से पलट जाएंगे। अब जहाँ पे देखिए ये सिंगल क्रोशिया है जहाँ पे हमने ये लिया हुआ है, इसमें नहीं बुनेंगे, इसके सेकेंड में इस तरह से, तो इसी तरह से करते हुए हम सेवेंथ रो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने बुना हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, उसके बाद अलग लाइन बुनी हुई है, अलग डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ से फिर हमें बनाना है इस किनारे से, तो चलिए बताती हूँ फिर ये बनाने के बाद। तो देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्स राउंड किया है, सॉरी मैंने सेवन बताया था, सिक्स राउंड करना है। एक हमने यहाँ बनाया, एक ब्लैक कलर का बनाया, तीन हमने येलो का बनाया और दो ब्लैक का बनाया, तो टोटल सिक्स हो गए हमारे। अब देखिए जहाँ पे हमने ये डाला हुआ है यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे, इधर से बनाना है, पहले यहाँ बांध लेते हैं। एक चेन लेंगे और यहाँ से एक चेन स्किप कर देंगे और अगले में यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, यहाँ पे दो बनाएंगे, यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया, उसके बाद फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया और सेम इसी जगह पे उसके बगल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाया, अब एक चेन और लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे इसके टॉप पे, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से चारों तरफ घुमाते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसी तरह से करते हुए यहाँ तक आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कोने तक हमने आ गया, अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
इसके अगले चेन में डालेंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे। एक चेन लिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे, ये जो गैप है इसके अंदर डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे डालेंगे दो सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से करते हुए इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएंगे हम। उसके बाद यहाँ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए एक इस तरह से हमें डोरी बनानी है जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है। तो इसे बनाने के लिए आपको 110 चेन डालना है, मैंने यहाँ पे 80 चेन डाला हुआ था इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया इसकी डोरी, तो आप 110 चेन डालें। तो किस तरह से देखिए मैं वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है आपको ये डोरी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब देखिए ये जो जिसमें हमने बुना हुआ है धागा लगा हुआ है इस चेन में नहीं डालना है, इसके सेकंड चेन में डालेंगे और पहले चेन से निकाल लेंगे। टाइट टाइट बुनना है आपको, फिर सेकंड इस चेन में डालेंगे अगले चेन में और पहले चेन से निकाल लेंगे। इस तरह से करते हुए आपको टाइट टाइट बनाना है, इस तरह से करते हुए बनाएंगे। स्लिप करना है हमें, स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ पे धागे को कट कर देंगे इस तरह से। अब जो ये दो धागे निकले हुए हैं इसे हमें क्या करना है, सुई से लेते हुए जो अंदर की ओर से इसको निकाल देना है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा सा देखिए ये बन जाएगा, तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ से ये इसे धागा ये हुआ है, तो ये डालने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से इसका मुंह बन जाएगा नुकीला सा, तो ऐसे धागा निकला हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे इधर करते हुए इधर पार कर देंगे सुई से और इसे यहाँ से डालते हुए। तो देखिए यहाँ मैंने डोरी बना के रखी हुई है, तब इसमें डालते हैं। यहाँ पकड़ेंगे साइड में और इसे खींचते हुए फिर यहाँ पे पकड़ेंगे और इधर खींचेंगे इसे। ये जो भाग है इसे अंदर रखेंगे इस तरह से, बराबर कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक धागे से यहाँ से सुई से इसे सिल भी सकती, ताकि ये धागा जो है हमारा ये डोरी है इधर उधर हिले ना। फिर इसे क्रॉस करते हुए यहाँ निकालेंगे
हर एक क्रॉस करते हुए इधर लेके जाएंगे। तो देखिए ये बन के दोनों हमारे सॉक्स रेडी हो गए, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।